हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ केयर पे। आज हम देखने वाले हैं रेसिपी क्यूरेलस ड्रॉप के बारे में। ये 15 ml का है, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, इसके फ़ायदे, इसके नुकसान, इसके प्राइस, कॉम्पोजिशन, ये सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन जो है, हम कॉम्पोजिशन क्या क्या इसमें इस ड्रॉप में, ये जो जो मेडिसिन आप बच्चों के लिए यूज़ करेंगे, इसमें कौन सी मेडिसिन जो है यूज़ की गई है। फर्स्ट वन जो है लिवोसाल, बूटामोल सल्फेट, एमरोक्सिल, हाइड्रोक्लोराइड एंड ग्योफेनाजाइन ड्रॉप, ये सब जो है किस तरह हेल्प करता है। जैसे कि बच्चों को अगर सर्दी हुई है, खांसी हुई है, जुखाम हो गया है, कफ हो गया है, छाती पूरी ऐसी हो गई है, कफ से भर गई है और सांस लेने में दिक्कत आ रहा है बच्चों को, तो ये सब में ये बहुत उपयोग आता है और बच्चों को आप ये ईजिली दे सकते हैं। जैसे कि बच्चे 0 to 1 year तक बच्चे जो हैं आप उसको ईजिली दे सकते हैं। जो ड्रॉप है, जैसे कि हम कितना ड्रॉप देते हैं बच्चों को, वो जो है उनके वेट के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे कि बच्चे जैसे कि 6 month के हैं तो आप उन्हें 1 ml जो है आप दे सकते हैं। अगर 6 month में भी अगर बच्चों का वेट अच्छा है तो आप 2 ml दे सकते हैं। इस तरह जो है अगर वेट अच्छा रहता है तो डॉक्टर्स भी यह सलाह देते हैं कि कितना ml आप दोगे अपने बच्चों को। ड्रॉप जो है, जैसे कि 1 पूरा ड्रॉप जो है आप लेते हैं, जैसे कि 20 से 30 बूंद जो है वो 1 ml हो जाता है, तो आप जो है अपने बच्चों को उतना दे सकते हैं। ये 15 ml का है और आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि अगर आपके बच्चों का सर्दी खांसी ठीक हो जाता है तो आप इसे बंद कर दीजिए, अपने डॉक्टर से बताइए, क्योंकि ज़्यादा देना भी सही नहीं रहता है दवा। तो अगर आपके बच्चों का जो तबीयत है ठीक हो जाता है तो आप ये जो बंद कर दीजिए। अब इसका देख लेते हैं प्राइस क्या है। इसकी प्राइस जो है 64 है, आप देख सकते हैं। इजली जो है आपको मेडिकल स्टोर पे कुछ डिस्काउंट भी दे सकते हैं, अगर नहीं देते हैं तो आप ज़रूर मांगिए, ज़रूर डिस्काउंट देंगे, या आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। इसकी प्राइस हो गए हैं, डोसेस हो गए हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। इसकी साइड इफ़ेक्ट जो है ज़्यादातर, जैसे कि अगर बच्चों को ओवरडोज हो जाता है तो उन्हें जुलाब होना स्टार्ट हो सकता है। नॉर्मली जो आप ये यूज़ करेंगे आपके बच्चों को जुलाब हो गया ही होगा, क्योंकि जो है जो भी सर्दी हुई है, कफ हुआ है, तो उसे कम करने के लिए आपके बच्चों को जुलाब के रास्ते जो है ये पूरा निकलते जाता है। जो भी आपके बच्चों को कफ हुआ है, तो अगर आपके बच्चों को ज़्यादा जुलाब होती है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। और नींद भी हल्की आ सकती है, अगर ज़्यादा नींद आती है तो फिर अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे यूज़ करते हैं आपके बच्चों को अगर सूट नहीं करता है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बताइए, ज़रूर संपर्क कीजिए, क्योंकि जो है बच्चों के हेल्थ से कोई भी आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात जो है, अपने बच्चों को किस तरह केयर करें। अगर आप अपने बच्चों को ठंड से नहीं बचा रहे हैं तो उसे सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, ये सब होना जो है आम हो जाता है। तो जितना से जितना हो अपने बच्चों को एकदम अच्छे से रखिए, नीचे जो फर्श रहता है उसे बचा के रखिए, जैसे कि पानी में बच्चा ना जाए उसे बचिए। आप अगर आप अपने बच्चों को दूध पिलाते हो तो आप भी ठंडा चीज़ अवॉइड कीजिए, या पानी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना भी अवॉइड कीजिए। इस तरह जो है अपने बच्चों को सर्दी खांसी से भी दूर रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।